दोस्तों, तो काइंडली कमेंट करके मुझे बताइए क्या मैं आप सबको ऑडिबल हूं। तो काइंडली बेटा कमेंट करके मुझे बताइए। हेलो नलिनी, यशोधा, क्यूट कनु, राहुल, सुभाश्री, एमके साहू, स्वागत है दोस्तों सभी को। ऑडिबल हूं मैं, सबको दिख रही हूँ। ओके आइए दोस्तों। तो दोस्तों आइए आज का सेशन लेना शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम प्रीति मंडयाल है और मैं अनअकैडमी पर प्लस स्टार और वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और साथ में टॉप एजुकेटर अवार्डी भी हूँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। हाल ही में अवार्ड लेकर आई हूँ एंड इवन आज एक साल कंप्लीट हो गया। ये उसी अवार्ड का फोटो है जब हम बेंगलोर गए थे हेडक्वार्टर एंड आज 29th मार्च है एंड पिछले साल 29th मार्च को मुझे ये अवार्ड मिला था। तो अब हाल ही में बोलना गलत होगा बिकॉज अब साल हो चुका है। साथ में दोस्तों मैं हूँ इंग्लिश लिटरेचर UGC नेट एक्सपर्टाइज फैकल्टी और इंग्लिश लिटरेचर में आप सब मेरी सेवाएं ले सकते हैं। दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं ताकि जो भी बेस्ट मटेरियल है वो आप तक लाया जा सके, आपको पढ़ाया जा सके और आपको गाइड किया जा सके। और हाल ही में 2019 दिसंबर का जो रिजल्ट रहा है उसमें जो टॉप 5 एजुकेटर रहे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट दिए हैं उसमें भी मैं एक शामिल हूँ और इंग्लिश लिटरेचर से उसमें एकमात्र हूँ। और आशा करती हूँ इस बार भी उसमें जुड़ने का मौका मिलेगा क्योंकि आप सबका प्यार और ब्लेसिंग इस बार भी रहेगी। साथ में मैं हमेशा लिखती हूँ प्रीति मंडयाल बॉर्न टू टीच बिकॉज लिटरली जिस हिसाब से आप सबका प्यार मिल रहा है, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, लगता है जन्म पढ़ाने के लिए हुआ है। और अब यही प्रण है किसी भी तरह जो भी नॉलेज लिया है पिछले 10-12 सालों में या 15-20 सालों में वो सारा आप तक मैं पहुँचाऊँ और आपको गाइड कर सकूँ। साथ में दोस्तों मैं अनअकैडमी पर लाइव पढ़ाती हूँ इंग्लिश लिटरेचर UGC नेट एक्सपर्टाइज फैकल्टी हूँ। आप सब भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। प्लस में आने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो सारी क्लासेस प्रॉपर लाइव रहती हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहते हैं और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है। हर चीज़ की आपको PDF भी मिलती है तो आपको अलग से कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपसे कोई सेशन मिस भी हो जाए तो भी आपको रिकॉर्डिंग में सेशन मिल जाता है। साथ में जो सारे लेसन्स हैं दोस्तों वो टॉप एजुकेटर करवाते हैं। मैं खुद टॉप एजुकेटर फैकल्टी हूँ अनअकैडमी पर और आप सबके प्यार और विश्वास ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। साथ में दोस्तों इसमें वीकली क्विज रहते हैं, मेगा क्विज रहते हैं, यानी कि हंसते हंसते कट जाते हैं पढ़ाई के रास्ते। जब एक तरफ आप कोर्सेज में पढ़ाई भी कर रहे हो, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहे हो और साथ साथ में आपके MCQ के माध्यम से क्विज भी हो रही हैं तो तैयारी आपकी पक्की होती रहती है। और साथ में उसमें आपको डाउट क्लियरिंग सेशन भी देखने को मिलते हैं जिसमें हम रिविज़न भी करते हैं एंड डाउट्स भी लेते हैं। और आप सब भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। जो मेरा रेफरल कोड है वो है प्रीति PREETI प्रीति, फिर आगे है M, ये स्मॉल में है प्रीति M, आगे है लाइव LIVE। तो आप इसको रेफरल कोड को यूज़ कर सकते हैं प्रीति M लाइव, ठीक है। PREETIM स्मॉल में है, LIVE कैपिटल में है। इसको यूज़ करके आपको सब्सक्रिप्शन में 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए अब आज का सेशन लेना शुरू करते हैं। सभी आ सकते हैं क्लास में दोस्तों, सभी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज जो हमने करना है, हमने बेसिकली आज हमारे जो राइटर हैं जो हमने आज करने हैं, आप सब जानते हैं आज के राइटर हैं हमारे गीता हरिहरन, ठीक है। गीता हरिहरन आज हम जो है राइटर करने वाले हैं। तो आप स्वागत कर लेती हूँ सबका मैं। हेलो नलिनी, हेलो यशोधा, हेलो क्यूट कनू, हेलो राहुल, हेलो सुभाश्री, हेलो MK साहू, हेलो अर्पिता, हेलो प्रियंका, सभी का ही हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो सभी अपनी सीट के पेटियाँ बांध लें। हम गीता हरिहरन जो कि बहुत ही पॉपुलर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की राइटर हैं उन्हें करने जा रही हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके वर्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी अपनी सीट की पेटियाँ बांध लें, ओके। तो आइए करना शुरू करते हैं।
गीता हरिहरन 1954 ओके 1954 क्योंकि इनका जन्म 1954 1954 में हुआ था ठीक है आइए दोस्तों देखिए गीता हरिहरन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक वुमेन राइटर्स ऑफ इंडिया गीता हरिहरन की खास बात है बेटा जो भी हमारे भारत की सबसे ज़्यादा प्रोलिफिक वुमेन राइटर हैं ऐसी वुमेन राइटर जो बहुत ही अच्छी हैं बहुत ही महान हैं एंड लिटरली जिन्होंने कुछ कर दिखाया है उसमें गीता हरिहरन को काउंट किया जाता है शी वॉज बॉर्न इन कोयम्बटूर इन 1954 उनका जन्म कोयम्बटूर में हुआ था 1954 में यानी कि 1954 में 1954 में भारत की ही जगह है कोयम्बटूर जहाँ उनका जन्म हुआ है She was brought up in Bombay and Manila and got her education in these two places beside the USA. उनकी जो परवरिश है वो बॉम्बे में हुई है एंड मनीला में हुई है ठीक है और इनकी पढ़ाई यहाँ पे तो हुई ही है एंड इसके अलावा USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है तो जन्म कहाँ है कोयम्बटूर परवरिश कहाँ हुई बॉम्बे एंड मनीला में और पढ़ाई बॉम्बे एंड मनीला में तो हुई ही इसके अलावा USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भी वो पढ़ी हुई हैं शी इज़ अ जर्नलिस्ट बाय प्रोफेशन एंड बेस्ड इन न्यू दिल्ली बाय प्रोफेशन वो जर्नलिस्ट हैं पत्रकार हैं और अभी न्यू दिल्ली पे सेटल हैं हर फर्स्ट बुक द 1000 फेसेस ऑफ नाइट वॉन द कॉमनवेल्थ प्राइज फॉर द बेस्ट फर्स्ट नॉवल और खास बात क्या है उनकी जो बुक थी उनकी जो सबसे पहली ही बुक आई थी जिसका नाम था द 1000 फेसेस ऑफ नाइट ये उनकी सबसे पहली ही किताब थी द 1000 फेसेस ऑफ लाइफ नाइट इसके लिए उन्हें कॉमनवेल्थ पुरस्कार मिला ठीक है बेस्ट फर्स्ट नॉवल के लिए एंड आप सब जानते हैं दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से कॉमनवेल्थ पुरस्कार कोई छोटा मोटा पुरस्कार नहीं है काफ़ी जाना माना लिटरेरी अवार्ड है तो गीता हरिहरन का जो पहला ही बुक आया द 1000 फेसेस ऑफ नाइट उनके लिए उन्हें इस कॉमनवेल्थ ऑफ प्राइज से नवाजा गया जो कि बहुत बड़ी बात है हर अदर वर्क इंक्लूड द आर्ट ऑफ डाइंग अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज द घोस्ट ऑफ वासु मास्टर व्हेन ड्रीम्स ट्रेवल बोथ नॉवल्स एंड अ साउदर्न हार्वेस्ट इन द टाइम ऑफ सेज इसके अलावा गीता हरिहरन के जो पॉपुलर वर्क हैं उसमें एक है आर्ट ऑफ डाइंग आउट ऑफ डाइंग इनका एक पॉपुलर वर्क है ये बेसिकली नॉवल नहीं है बल्कि स्टोरीज की कलेक्शन है तो इसमें आपको कहानियों की कलेक्शन मिलेगी इसके बाद है द घोस्ट ऑफ वासु मास्टर और एक है व्हेन ड्रीम्स ट्रेवल तो ये जो दोनों वर्क हैं द घोस्ट ऑफ वासु मास्टर एंड व्हेन ड्रीम्स ट्रेवल ये दोनों ही इनके नॉवल हैं और इसके अलावा इनका एक और भी वर्क है द साउदर्न हार्वेस्ट एंड इन टाइम्स ऑफ सेज ये उनके एक्स्ट्रा वर्क हैं तो आप देख सकते हैं सबसे पहली बुक थी द 1000 फेसेस ऑफ नाइट जिसके लिए प्रेस्टिजियस अवार्ड कॉमनवेल्थ मिला फर्स्ट नॉवल के लिए उसके बाद उनके वर्क हैं जैसे आउट ऑफ डाइंग जो स्टोरीज की कलेक्शन है फिर है घोस्ट ऑफ वासु मास्टर एंड व्हेन ड्रीम ट्रेवल जो कि नॉवल्स हैं एंड एक अलग से भी उनका लिटरेरी वर्क मौजूद है अ साउदर्न हार्वेस्ट एंड इन द टाइम्स ऑफ सेज ठीक है तो बेटा पहले आप जल्दी से ये जो भी मैंने आपको बताया इनकी ज़िंदगी के बारे में एंड इनका थोड़े से वर्क के बारे में इसे अच्छे से नोट कर लो फिर हम इसमें आगे बढ़ना शुरू करते हैं ठीक है इसे अच्छे से नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ना शुरू करते हैं जब डन हो जाए बेटा तो थम्स अप दे देंगे सभी वेरी गुड बेटा राहुल का आ चुका है डन राहुल का डन हो चुका है बाकी सब भी बता दीजिए एक बात बता देती हूँ एज कम्पेयर टू प्लस क्लासेस जो हम लाइव पढ़ते हैं ना बेटा या स्पेशल क्लासेस में पढ़ते हैं यूट्यूब पे जर्नली मुझे आपका जो रिस्पॉन्स है थोड़ा लेट मिलता है ठीक है और आपको भी मेरी बात लेट सुनाई देती है तो थोड़ी सी पेशेंस इन सेशंस में बनाए रखें राहुल का डन है प्रियंका का डन है
बाकी सब भी जल्दी से थम्स अप दो बेटा मुझे, ताकि मुझे पता लगे. क्यूट कन्नू का भी डन है. ओके आई थिंक सब कर चुके हैं, ये भी नोट कर लो बेटा, अच्छे से नोट कर लो. शाबाश. हेलो बेटा, हेलो हेलो बेटा, जल्दी से नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं. गगनप्रीत का प्रश्न भी अभी रहता है. गगनप्रीत अभी स्टे ट्यून्ड, मैं आपके प्रश्न का उत्तर भी दूंगी. ठीक है, आजकल अभी मैं जोरों शोरों से काम कर रही हूँ, यू ऑल नो, तो उस पर अभी मेरा सारा ध्यान है. ठीक है. आय हाय, जस्ट टू मच फन. हेलो हेलो जी, हेलो. सभी का डन हो गया? ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, हेलो बेटा, सभी का ही हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन. ठीक है, ओके आइए बेटा आगे बढ़ते हैं. तो अभी तक हमने गीता हरिहरन की लाइफ का देखा, उनके वर्क को भी थोड़ा बहुत देखा एंड चीजों को समझा. अब आइए बेटा इसी में आगे बढ़ते हैं और अब ना उनके वर्क को थोड़ा हम डिटेल में लेंगे. तो जो ऊपर हमने वर्क पढ़े, किसके लिए उन्हें अवार्ड मिला, किसके लिए क्या हुआ, उन्हीं को थोड़ा सा और डिटेल में लेंगे. तो सभी अपनी सीट की पेटियां बांध लें. आइए, गीता हरिहरन पब्लिश्ड हर फर्स्ट नॉवल द थाउजेंड फेसेस ऑफ नाइट इन 1992 एंड वॉज अवार्डेड कॉमनवेल्थ प्राइज इन 1993. तो सबसे पहली बात, गीता हरिहरन का जो सबसे पहला नॉवल था जिसका नाम था द थाउजेंड फेसेस ऑफ नाइट, ये 1992 में 1992 में पब्लिश हुआ और 1993 में ही उन्हें कॉमनवेल्थ राइटर पुरस्कार मिल गया. बहुत बड़ी बात है ना, पहले ही नॉवल के लिए बेस्ट बुक का अवार्ड लेकर जाना, वो भी कॉमनवेल्थ. तो 92 में आया, 93 में मिल गया. बुक का नाम क्या है? द थाउजेंड फेसेस ऑफ नाइट. और जॉनर कौन सा है? नॉवल. आगे, दिस नॉवल वॉज फॉलोड बाय द घोस्ट ऑफ वासु मास्टर 1994. और इस नॉवल के बाद जो उनका अगला वर्क आया वो था द घोस्ट ऑफ वासु मास्टर, जो 1994 यानी कि 1994 में आया था. फिर हर थर्ड नॉवल व्हेन ड्रीम्स ट्रेवल अपीयर्ड इन द 1999. फिर उनका जो तीसरा नॉवल था उसका नाम था व्हेन ड्रीम्स ट्रेवल. ठीक है, व्हेन ड्रीम्स ट्रेवल. और ये नॉवल उनका 1999 यानी कि 1999 में आया. एंड इट वॉज क्विकली फॉलोड बाई इन द टाइम ऑफ सीज 2003. और जल्दी ही इसको फॉलो किया उनके फोर्थ वर्क ने जिसका नाम था इन टाइम ऑफ सीज, जो 2003 में आया. तो पहला 92 का द थाउजेंड फेसेस ऑफ नाइट, दूसरा घोस्ट ऑफ वासु मास्टर 1994, फिर व्हेन ड्रीम्स ट्रेवल 1999 एंड द टाइम ऑफ सीज 2003. उसके बाद हर लेटेस्ट पब्लिकेशन इज फ्यूजिटिव हिस्टोरीज विच अपियर्ड इन 2009. और इनका जो लेटेस्ट पब्लिकेशन है, अब तो और भी आगे आ गया होगा, वो है फ्यूजिटिव हिस्टोरीज, जो उनका वर्क 2009 में आया था. बिसाइड नॉवल्स, गीता हरिहरन हैज आल्सो ऑथर्ड अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज द आर्ट ऑफ डाइंग 1993 एंड बुक्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन द विनिंग टीम विच केम आउट इन 2004. तो ये सारे तो हमने कहीं ना कहीं जॉनर देखे नॉवल के, गीता हरिहरन के नॉवल. पर इन नॉवल के अलावा उन्होंने हमें शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन भी दी है. ठीक है, तो एक उनकी शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है द आर्ट ऑफ डाइंग, जो 1993 में आई है 1993 में. और खास बात, ये शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन बड़े लोगों के लिए है, जैसे हम जैसे लोगों के लिए. फिर उनकी एक और शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन आई थी जो चिल्ड्रन के लिए थी, बच्चों के लिए थी, जिसका नाम था द विनिंग टीम, जो 2004 में आई थी. ठीक है, तो आर्ट ऑफ डाइंग 93 में आया, शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है पर हम जैसे बड़े लोगों के लिए. और फिर उनकी शॉर्ट स्टोरीज की एक और कलेक्शन आई द विनिंग ऑफ टीम 2004 में, पर छोटे बच्चों के लिए. ठीक है, यानी कि बच्चों के लिए. और ये दोनों ही शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है, एक 93 एक 04 में वर्क आया है, एक बड़ों के लिए है और एक नॉर्मल छोटों के लिए. उसके बाद है अ साउदर्न हार्वेस्ट 1993 इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम साउथ इंडिया ट्रांसलेटेड बाय गीता हरिहरन. और फर्दर उनका एक और वर्क भी है द साउदर्न हार्वेस्ट, जो 1993 यानी कि 1993 में आया था. ये भी शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है, पर खास बात क्या है, ये गीता हरिहरन का अपना वर्क नहीं है बल्कि ये ट्रांसलेटेड वर्क है जो उन्होंने
साउथ इंडिया से उठाया है, तो जो साउदर्न इंडिया है वहाँ पे जो वर्क था, स्टोरीज की ही कलेक्शन थी, उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया था. तो बाकी ये सारे नॉवल आ गए, ये द आर्ट ऑफ डाइंग एंड विनिंग टीम शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन आ गई बड़े और बच्चों के लिए, और एक ट्रांसलेशन का वर्क भी उनका आ गया, द साउदर्न हार्वेस्ट 93 में, और एक साउदर्न इंडिया जो है उसकी वर्क की ट्रांसलेशन है. ठीक है बेटा, तो जल्दी से अभी आप ये जो मैंने वर्क बताया आपको डिटेल में प्रॉपर, नॉवल का जॉनर, स्टोरीज का जॉनर एंड ट्रांसलेशन, इसे नोट कर लीजिए. ठीक है, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं. अभी हमने थोड़ा सा लाइव देखा गीता हरिहरन का, ठीक है, एंड उसके बाद हमने उनके वर्क भी देख लिए. ठीक है, एंड अब हम इनके जो वर्क है, द घोस्ट ऑफ वासु मास्टर और द थाउजेंड फेसेस ऑफ नाइट एंड ऑल, उन्हें हम अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो बेटा जब ये स्लाइड डन हो जाए मुझे थम्स अप जरूर दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ. थम्स अप देना ना भूले. सबका डन हो गया. आइए बेटा आगे बढ़ते हैं. ये लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा. ऐसे ही हम प्लस में पढ़ते हैं. प्लस में भी मैं ऐसे ही पहले हम पढ़ा लेते हैं, फिर मैं आप बीच में समय देती हूँ ताकि बच्चे नोट कर लें, है ना. और क्लास में ही हम चीज़ें भी पढ़ते हैं, समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, याद भी करते हैं. ठीक है, और जहाँ कहीं मुझे लगे थोड़ा सी खुराफातीपन करना हो वहाँ पर मैं खुराफातीपन भी कर लेती हूँ, मतलब शरारते एंड ऑल, ताकि आप ट्रैक पे रहें और लिटरली हंसते हंसते कट जाए पढ़ाई के रास्ते. ओके, जब ये डन हो जाए बेटा मुझे बता दीजिएगा. ठीक है बेटा, आप करिए ना एक मिनट, मेरा गला सूख रहा है, मैं पानी पीकर आती हूँ. ठीक है, इसे आप अच्छे से नोट करिए, मैं यहीं पे हूँ, साथ में किचन है, आई एम जस्ट कमिंग. ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं पानी पीकर आती हूँ. जब सबकी ये स्लाइड भी डन हो जाए मुझे डन डन का रिस्पांस दे दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ. ठीक है, सभी का डन है, आगे बढ़ सकते हैं बेटा. चलिए फिर, ये मैं आगे स्लाइड ला रही हूँ, ये आ जाइए बेटा, सभी आइए, सभी कर लीजिए. ठीक है, आई थिंक सबका डन हो चुका है, राइट. तो आइए आगे बढ़ना शुरू करते हैं. ठीक है,
आगे बढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। वेरी गुड। तो बेटा ऐसा है, ध्यान से देखिए, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने गीता हरहरन के लाइफ का देखा, उनका बॉर्न एंड वर्क, फिर उनके वर्क्स देखे, ठीक है। अब उसमें जो उनके इम्पॉर्टेंट वर्क है उन्हें हम डिटेल में करना शुरू करेंगे। इन वर्क को हम कैसे देखेंगे, स्टोरी लाइन, थीम, करेक्टर, करेक्टराइजेशन या कुछ खास बातें वो हम कर लेंगे, ठीक है। और इससे पहले कि मैं ये वर्क कराना शुरू करूं, मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूं जो आपको हेल्प करेंगे। बेटा पहली बात ये है, आप सब जानते हैं आप यूजीसी नेट लेवल की तैयारी कर रही हैं, और यूजीसी नेट लेवल का जो एग्ज़ाम है वो काइंड ऑफ किसी भी सब्जेक्ट के लिए फादर मम्मी पापा के लेवल का एग्ज़ाम होता है, क्योंकि आपको उसमें सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज चाहिए, ठीक है, डिटेल नॉलेज चाहिए। तो जितना भी हमसे पॉसिबल हो पाता है, जितना भी बेहतरीन हम ला पाएँ सर्च करके मटेरियल या आपको पढ़ा पाएँ, वो हम अपनी ड्यूटी निभाते हैं। पर एक बात का ध्यान रखें, जो भी चीज़ आपके सामने लाई जाएगी उस संपूर्ण को सर्वसंपूर्ण करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसको अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच से करना बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक साइट के बारे में बताना चाहती हूँ। साइट का नाम है ब्रिटानिका। ये पूरी तरीके से डिवोटेड साइट है इंग्लिश लिटरेचर को लेकर। तो जब कभी भी आपका कोई भी टॉपिक इंग्लिश लिटरेचर का मैं लेती हूँ तो उसे आप ब्रिटानिका पे ज़रूर सर्च करें, ओके। एंड वहाँ से जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिल रही हैं उन्हें जॉट डाउन करें। एंड सर्वसंपूर्ण को सर्वसंपूर्ण कराने का दूसरा तरीका होता है MCQ की प्रैक्टिस करना। तो मेरा आप सबसे एक निवेदन है, आप सभी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी हम कंटेंट आपके सामने ला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उस संपूर्ण को सर्वसंपूर्ण ज़रूर करें, ब्रिटानिका पे ज़रूर देखें, और कुछ जो बातें मिल रही हैं उन्हें जॉट डाउन करें राइटर एंड वर्क दोनों के बारे में, और इसके अलावा MCQ की प्रैक्टिस भी ज़रूर करें। अगर आप ये चीज़ डेली लेवल पे करते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी बहुत अच्छी पकड़ एग्जाम पे बन जाती है। तो अब आइए वर्क लेना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो वर्क हम इनका लेंगे वो हमारे पास है द घोस्ट ऑफ वासु मास्टर। ये बहुत ही पॉपुलर वर्क है, बकायदा मैंने अपने मास्टर्स में से पढ़ा है। ये वर्क 1994 में आया था। तो आइए इस वर्क से संबंधित सारी बातें देखना शुरू करते हैं। द नॉवल इज टोल्ड इन शॉर्ट चैप्टर्स अल्टरनेटिंग बिटवीन इवेंट्स इन द प्रेजेंट। तो इस नॉवल की खास बात क्या है, इसमें आपको छोटे छोटे चैप्टर देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे पार्ट हिस्से देखने को मिलेंगे बिटवीन इवेंट इन द प्रेजेंट। जैसे प्रेजेंट में ही जो इवेंट चल रही हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो उस पर अलग अलग जॉनर पे बताया जाएगा। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो अभी मैं इस रूम में पढ़ा रही हूँ, दूसरे रूम में मेरा भाई अभी रेस्ट कर रहा है, तीसरे रूम में किचन है, मम्मी खाना बना रही हैं, तो वो एक ही प्रेजेंट मोमेंट पे मेरे पर्सपेक्टिव से मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे भाई के पर्सपेक्टिव से वो सो रहा है, मम्मा के पर्सपेक्टिव से वो खाना बना रही हैं। तो एक ही इवेंट है ना, एक ही प्रेजेंट के इवेंट हैं। तो इसमें यही बताने की कोशिश की गई है। तो आपको इसमें छोटे छोटे चैप्टर्स मिलेंगे और हर चैप्टर में इवेंट्स को रिप्रेजेंट किया गया है, प्रेजेंट के इवेंट्स को। वासु मास्टर फील क्वाइट अनइजी आफ्टर रिटायरमेंट। यहाँ पे जिक्र है वासु मास्टर का, जिसे बहुत ही अनईजी यानी कि अजीब सा फील होता है रिटायरमेंट के बाद। ये पर्सन जो रिटायर हो चुका है, अब इसे अच्छा फील नहीं होता, ही इज़ नॉट फीलिंग गुड, ठीक है। हिज फेयरवेल प्रेजेंट फॉर्म हिज स्टूडेंट वॉज अ नोटबुक। और जब वो उसको फेयरवेल मिला भी था, जैसे जब फेयरवेल मिलता है जो रिटायर हो जाते हैं, तो उसके स्टूडेंट ने उन्हें जो गिफ्ट दिया था, जैसे देते हैं, दैट वॉज अ नोटबुक एंड अदर थिंग्स रिलेटिंग टू जॉटिंग डाउन ऑब्जर्वेशंस मेमरीज एंड थॉट अबाउट टीचिंग। और जो भी और चीज़ें दी, उन सबको देखकर यही लगता था कि जैसे उसे अपनी मेमरीज याद आ रही हो, थॉट्स आए टीचिंग को लेकर, है ना। तो जो जॉनर है, वासु मास्टर इज बेसिकली अ टीचर हेयर, जिनकी रिटायरमेंट हो गई है एंड आफ्टर रिटायरमेंट वो उनको अच्छा फील नहीं हो रहा, और वो याद करते हैं कि कैसे जब उन्हें फेयरवेल पार्टी मिली थी तो बच्चों ने उन्हें नोटबुक गिफ्ट की और बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट की जो सारी टीचिंग से संबंधित थी, ठीक है। ही आल्सो कंटिन्यू टू टीच अ बिट बिकमिंग अ ट्यूटर। और इवन दो रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने पढ़ाना जारी रखा और वो एक ट्यूटर बन गए, यानी कि ट्यूशन टीचर बन गए।
He doesn't have many students, however, and eventually he is only left with on that is most complicated and irritable case money. और हालांकि उनके पास ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है, मतलब रिटायरमेंट के बाद वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं एंड ऑल, पर ज़्यादा बच्चे नहीं हैं और एक समय ऐसा आता है जब उनके पास सिर्फ एक ही बच्चा बच जाता है जिसका नाम है मणि. और मणि का जो केस है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब ही इज़ अ चाइल्ड वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल. ठीक है, तो कैसे वासु रिटायर हो गए एंड आफ्टर डैट उन्होंने टीचिंग नहीं छोड़ी है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत थोड़े से बच्चे हैं और अब समय ऐसा आया है कि सिर्फ एक ही बच्चा उनके पास रह गया है, नाम है मणि. और मणि कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं है, मतलब लिटरली जिसके पीछे पूरी मेहनत लगानी पड़े वो बच्चा है. द बॉय इज 12 व्हेन ही कम टू वासु मास्टर बट ही वॉज नॉट अप टू द मार्क. ये लड़का जो मणि है ये आपके वासु मास्टर के पास पढ़ने तब आया था जब वो सिर्फ 12 साल का था. 12 साल का है, छोटा सा था. ही डजंट स्पीक आइदर एंड हैज बीन थ्रू न्यूमरस स्कूल्स एंड डॉक्टर विदाउट एनीवन बीइंग एबल टू ड्रॉ हिम आउट. और वो ना ढंग से बोल पाता है, मतलब बोलता भी नहीं है, कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेता. उसको स्कूल अलग अलग स्कूल बदल के देख लिए, अलग अलग डॉक्टर्स को दिखा के देख लिया, पर वो इस काबिल है ही नहीं, वो इस काबिल है ही नहीं कि वो अच्छे से टैकल कर सके. अगर आप में से किसी ने स्कूल में पढ़ाया हो या अभी पढ़ा रहे हो, आपने देखा होगा हर क्लास में ऐसे कुछ बच्चे होते हैं और खासकर एक जिसे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो ना वो पढ़ता है ना वो समझता है. तो यही केस मणि का यहाँ पर है. वासु मास्टर ट्राइज टू चेंज मणि एंड इवेंचुअली फाइंड एट लीस्ट वन थिंग डैट सीम्स टू कीप हिम एंटरटेन्ड एंड इंटरेस्टेड. पर वासु मास्टर जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं वो ऐसे थोड़ी ना चीज़ छोड़ते. उन्होंने तो ठान ली थी जो भी होगा वो तो मणि को सिखा कर ही छोड़ेंगे, इस पहेली को सुलझा कर ही छोड़ेंगे. उन्होंने बहुत सारी कोशिश ही की कि किसी तरह उसको एंटरटेन रख सकें, उसको इंटरेस्ट में रख सकें और वो पढ़ें. जैसे आप सब जब मेरी क्लासेस में बोलते हो कि मैम आप ऐसे रिएक्शन करते हो, ऐसे करते हो, मज़ा आता है ना आपको, तो समहाउ एक एंटरटेनमेंट भी होती रहती है, इंटरेस्ट भी बना रहता है और बच्चे अच्छे से समझ भी पाते हैं. तो वासु के लिए जो मणि है वो एक प्रकार का टारगेट बन चुका है, एक जिंदगी का टारगेट कि अच्छा मुझे जो भी हो इसे पढ़ाना है. डॉक्टर इसे सॉल्व नहीं कर पाए, स्कूल बदल लिए सॉल्व नहीं कर पाए, पर मुझे इसे पढ़ाना है जो मर्जी हो जाए. एंड दिस थिंग वॉज स्टोरीज एंड ये सारी चीज़ें ही यहाँ पे मौजूद हैं. Vasu master himself was not brought up on proper stories, but he tries a lot with his child experience and find them useful for himself too. तो यहाँ पर जो तरीका अपनाता है वासु मास्टर फाइनली वो होता है कहानी. कहानी के माध्यम से सिखाता है वो, ठीक है. और हालांकि वासु मास्टर की अपनी बात क्या है, जब वो उसकी अपनी परवरिश हुई, वो अपने लेवल पे पढ़ा लिखा आगे बढ़ा, तो उसकी ज़िंदगी में कभी स्टोरीज के माध्यम से ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि उसको किसी ने पढ़ाया हो ऐसे स्टोरीज के माध्यम से, या उसके अंदर खुद भी ऐसी कोई खास कला नहीं है कि कोई बड़ी अच्छी कहानी बना सके. पर इस मणि बच्चे के लिए वो इस हद तक जाने की कोशिश करता है कि जो मर्जी हो जाए मुझे इसे सिखाना है, तो वो कहानियों को अपनाता है, कुछ ऐसी चीज़ कर जाता है जो खुद उसके साथ नहीं हुई, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें एंड वो इसमें सक्सेसफुल हो जाता है. वासु मास्टर आल्सो ट्राइज टू लिव इन प्रेजेंट एंड ब्रिंग द पास्ट बैक इन हिज लाइफ. तो वासु मास्टर क्या करता है जी, वो अभी प्रेजेंट में ही रहा है, प्रेजेंट मोमेंट में ही है, पर वो हर वो संभव कोशिश करता है कि कैसे किसी भी तरह ना वो किसी भी तरह मतलब पढ़ाए. उसके लिए वो पास्ट में भी जाता है, वहाँ से चीज़ों को खंगालता है, कुछ इस तरह से स्टोरी लाने की कोशिश करता है. इस मोमेंट पे मुझे अपनी याद आ रही है, जब कभी मैं आपको किसी भी लिटरेचर के वर्क याद कराती हूँ तो ऑन द स्पॉट जो यहाँ से खुराफाती नेस निकलती है ना स्टोरी बनाती बार, वो कहीं ना कहीं अपने ही तो एक्सपीरियंस होते हैं, तभी तो उस लेवल तक सोच पाती हैं. तो वही यहाँ पर हो रहा है. वासु मणि को सिखाने के लिए स्टोरी मेकिंग कर रहा है एंड उस चीज़ में इतने तरीके से खो रहा है कि क्या कहें. His wife who dies in earlier years, he bring back in memory and thus try to understand the present. Even कुछ साल पहले उसकी जो पत्नी है उसकी भी डेथ हो चुकी है, तो जब वो पुरानी बातें ला रहा है स्टोरी बनाने के लिए तो कहीं ना कहीं उसका जिक्र भी उसके जहन में आता है.
The ghost of Vasu Master is concerned with well-being on all level, that is soul, mind and the body. और बहुत गहरी बात कह रहे हैं यहाँ पर. जब हम कह रहे हैं ghost of Vasu Master, Vasu Master का भूत, तो उसका मतलब हमारा हर लेवल पे है, soul, body and mind. क्योंकि ना Vasu Master present में होते हुए भी past में जा रहा है, past में जो चीजें खत्म हो चुकी हैं उन्हें याद ला रहा है, तो भी उसको भूत कह के कहा गया है. ठीक है, तो इसमें हर लेवल पे वो इतना खो चुका है सोल माइंड एंड बॉडी लेवल पे कि उसका टारगेट है बस उसने मनी को टीच कराना है. तो वो पास्ट और प्रेजेंट में हिंडोले खा रहा है. वासु मास्टर्स फिजिकल अलाइनमेंट गेट सम अटेंशन व्हाइल सम वांट हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ अलाइनमेंट. देयर इज वन मोर करेक्टर एंड ही इज वासु मास्टर फादर अ सॉक्टर ऑफ अ वेरी वाइज एंड अंडरस्टैंडिंग सॉर्ट who shows a variety of ways of healing. तो यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र इसमें वासु मास्टर के फादर का भी है, थोड़ा सा जिक्र है, बस आपने यही याद रखना है कि पूरी स्टोरी में थोड़ा सा जिक्र वासु मास्टर के फादर का भी है. वासु मास्टर्स एफर्ट टू टीच मनी टेक्स द ब्रॉडेस्ट मीनिंग ऑफ टीच. ही ट्राइज टू टीच हिम इन ऑल एस्पेक्ट लाइक अ साइकोलॉजिस्ट एंड आल्सो एज अ एजुकेटर. और ये बहुत खास बात है जिसके साथ हमारी ये स्टोरी भी एंड हो रही है. वासु मास्टर के जो एफर्ट थे मनी को टीच करने के लिए वो बहुत ही ब्रॉड लेवल पे थे, क्योंकि वो सिर्फ उसको टीच नहीं कर रहा था, वो एक एजुकेटर, एक टीचर का रोल तो प्ले कर ही रहा था, पर साथ में साइकोलॉजिस्ट, उसकी साइकोलॉजी को वो समझ रहा था. और ऐसे ही थोड़ी ना चाइल्ड साइकोलॉजी बोली जाती है टीचर को पढ़ने के लिए. साइकोलॉजी एक ऐसा पर्सपेक्टिव है, अगर हम अच्छे से समझ आए तो डेफिनेटली हम जो है बच्चे को अच्छे से पढ़ा पाते हैं. तो अगर डॉक्टर के पास जाते वो सिर्फ साइकोलॉजी पे काम करता, टीचर के पास जाते वो सिर्फ पढ़ाई पे काम करता. वासु ने दोनों पे काम किया, साइकोलॉजी पर भी और पढ़ाई पर भी, और वाकई वो मणि को सिखाने में सक्सेसफुल हो पाया. सो दिस इज ऑल अबाउट द घोस्ट ऑफ वासु मास्टर. कैसी लगी सबको स्टोरी बेटा, कैसे लगी बताओ मुझे, कैसी लगी सबको स्टोरी, अच्छी लगी? अब जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली में वासु मास्टर का घोस्ट नहीं है, पर जिस तरीके से वो पास्ट में जा रहा है, स्टोरी मेकिंग कर रहा है ताकि समहाउ वो मानी को सिखा पाए एंड उसको प्रॉपर साइकोलॉजिकल लेवल पे डील करते हुए सिखा पाए, इसीलिए ये कहा गया है. ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, थम्स अप साथ साथ में मुझे देते रहें, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगी. ठीक है, ओके यशोदा, बहुत अच्छी बात है. बहुत अच्छा, तो आई होप आप सबको थीम, करेक्टराइजेशन एंड स्टोरी लाइन, वो सारे पर्सपेक्टिव क्लियर हैं. ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए. अतुल कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं बेटा, थम्स अप दे दीजिएगा मुझे जब हो जाए. ठीक है, अच्छा एक मिनट, ओके शोधा, हाँ जी अतुल बोलिए बेटा, क्या पूछना चाहते हैं? थैंक यू सो मच रूपिंद्र, थैंक यू सो मच बेटा, डेट्स माय ड्यूटी टू टीच यू वेल. बहुत अच्छी बात है अतुल, अगर आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं और मुझे थम्स अप दें बेटा जल्दी से, ताकि हम आगे बढ़ पाएं. ठीक है, ताकि हम आगे बढ़ पाएं. सबका डन हो गया होगा आई थिंक. चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए.
हाय, मोटे लोग ना बैठ बैठ के थक जाते हैं। नोट कर लीजिए बेटा अच्छे से, ठीक है। हेलो यशोदा, सबको हेलो है, सबको हेलो है, सबको बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स हैं। अच्छे से नोट कीजिए सभी, ठीक है, अच्छे से नोट कीजिए बेटा। आप एक मिनट नोट करो, मैं अभी आती हूँ, ठीक है। आप अच्छे से नोट करो, अभी यही हूँ मैं, अच्छा कहीं नहीं गई, मैं इधर ही हूँ। जब आगे करना होगा मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। जब आगे करना होगा बेटा मुझे बता दीजिएगा। अच्छे से नोट करें सारे, कहीं भी कोई कमी ना रहे, ठीक है, अच्छे से नोट करें सारे। आज अनअकैडमी पे मेरी स्पेशल क्लास भी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंग्विस्टिक पे है, ठीक है। उसका लिंक भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप स्टेटस पे दे दूंगी, ओके। आगे करूं बेटा, सबका हो गया, आगे करूं, सभी थम्स अप दे दीजिए ताकि हम आगे बढ़ पाए, है ना। तीन चार बच्चों का थम्स अप तो आए कम से कम, तो फिर मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो मुझे लगेगा नहीं हुआ नोट। हाँ जी स्माइली, वो नेट से ही रिलेटेड है, इंग्लिश लिटरेचर नेट से, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर नेट से संबंधित है। ये मैंने अगली स्लाइड कर दी, उसमें हम लिंग्विस्टिक कर रहे हैं जो हमारी यूनिट नंबर 5th है अपडेटेड सिलेबस की, ओके। अरे सुभाश्री, वाओ क्या ये इमोजी कहाँ से लाई तुम, बड़ी इंटरेस्टिंग है। बेटा आप सबको मैं कमेंट बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रही हूँ, ठीक है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे आपकी आपको मेरी जो भी क्लासेस रहती हैं अनअकैडमी पे, चाहे स्पेशल क्लास है या कोई प्लस आने वाला है या मेरे जो भी लेसन है अनअकैडमी से संबंधित, जो भी है, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लासेस हैं, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब सेशंस हैं, चाहे मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट लेसन हैं जो अनअकैडमी पे हैं, या आपका जो भी मटीरियल है वो सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिंक दिया है, पता नहीं ओपन होगा या नहीं, मैंने अपने लेवल पे आपको दे दिया है, ठीक है। इससे आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सभी को गुड इवनिंग है, सभी का ही हार्दिक स्वागत, ठीक है। अब पता नहीं बेटा ये लिंक आपको दिख रहा है क्या, ओपन हो रहा है ये प्रॉपर, मुझे पता नहीं ओपन हो रहा होगा या नहीं, पर आप इसे प्रॉपर टाइप कर लो लेना, फिर ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। डन हो गया तो मुझे थम्स अप दीजिए ताकि हम आगे बढ़ पाए, ताकि हम आगे बढ़ पाए, सभी थम्स अप दीजिए। ये लो बेटा, आगे बढ़ गई हूं मैं, ये लो, अच्छे से नोट करें सारे, अच्छे से नोट करें सारे, ओके, वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड, जॉटिंग डाउन, अभी लिख रहे हैं आप। बैक करूं, एक मिनट, एक मिनट बेटा, पीछे किसी को करने को रह गया है तो मुझे रुकना पड़ेगा, ठीक है, पीछे रह गया है तो मुझे रुकना पड़ेगा, ठीक है। और ये टेलीग्राम चैनल आप अपने सभी बडीज के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रही हैं, उन्हें भी इसमें जरूर जोड़ें, जो भी मेरी फ्री लेसन है अनअकैडमी पे, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज हैं, स्पेशल क्लासेस जब आएंगी, यूट्यूब सेशन जो होंगे, अनअकैडमी से संबंधित हर चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है।
डन हो गया। सुभाश्री आपका डन हो गया बेटा, आगे बढ़ सकते हैं। सुभाश्री आगे कर दूं बेटा? सुभाश्री थम्स अप दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। ओके अभी नहीं, ओके ओके, कोई नहीं सुभाश्री बेटा रुक जाते हैं। सुभाश्री नोट कर रहे हैं, ठीक है एक मिनट रुक जाओ बेटा, वो नोट कर लेंगे ना, हम सब बच्चों को साथ में लेकर चलेंगे। ओके थोड़ा करो पर अच्छा करो और पक्का करो, ये की होती है सक्सेस की। सभी बच्चे जुड़े रहें। वाओ गगनप्रीत, आज बच्चे नए नए स्माइली ला रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गया। सुभाश्री जब डन हो जाए तो यस लिखें बेटा ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। ऑल बच्चा पार्टी आर वेटिंग, ठीक है। अच्छा YouTube पे है ये, ओके गगनप्रीत, ठीक है तो बहुत अच्छी बात है। अरे वाह गुड, वाओ सुभाश्री हो गया डन, आगे बढ़े, जिनी टाइप फीलिंग आ रही है। दो आगे करो बेटा सभी नोट, अच्छे से नोट करो आगे सभी, शाबाश। जिनी टाइप फीलिंग आ रही है सुभाश्री, जिनी जिनी है ना। वाओ सभी नोट भी करते रहे बेटा साथ साथ में, अच्छे से नोट करें। अरे ओके थैंक यू थैंक यू। नोट कर लीजिए बेटा, थम्स अप जरूर दें जब नोट हो जाए, ठीक है। सभी देंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबका डन आ चुका है, आई थिंक वी कैन मूव फर्दर, हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? आगे कर रही हूं मैं, ठीक है कोई नो बोलने वाला होगा तो बोल देना। डन ओके, ये लो बेटा आगे नोट कर लो, कर लीजिए नोट। जब सबका डन हो जाए मुझे बता दीजिएगा, ठीक है।
वेरी गुड वेरी गुड. सबका डन है? ठीक है, ओके ओके बेटा. ठीक है तो ओके बेटा, वेरी गुड. ठीक है तो बेटा आइए फिर अगला वर्क देख लेते हैं. अगला वर्क क्या है देखिए, अगला वर्क बेटा हमारे पास है द थाउजेंड फेसेस ऑफ नाइट. ठीक है, द थाउजेंड फेसेस ऑफ नाइट, ये 93 नहीं मैम. नलिनी अभी कर रहे हो नोट? ओके नलिनी नोट कर लो, फिर मुझे थम्स अप दे देना ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ. ठीक है, आई होप मेरी बाकी सभी बच्चा पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि हमको सब बच्चों को साथ लेकर चलना है. ओके कनू का डन हो गया, नलिनी आप भी डन दे दो ताकि हम आगे बढ़ सके. ठीक है चलो आइए बेटा आगे बढ़ते हैं. बेटा अगला वर्क हमारे पास है द थाउजेंड फेसेस ऑफ नाइट. ठीक है, ये 1993 यानी कि 1993 में आया था और हमारे गीता हरिहरन का ही वर्क है. तो देखिए इसमें खास क्या बातें हैं. द नॉवल इज वुवन अराउंड थ्री जनरेशन ऑफ वुमन, देवी, सीता एंड मयम्मा. ये जो नॉवल है बेटा, इसकी स्टोरी बेसिकली तीन जनरेशन के इर्द गिर्द घूमी हुई है, जिसमें है देवी, सीता एंड मयम्मा. ओके, द फर्स्ट नॉवल द थाउजेंड फेसेस ऑफ नाइट डिस्क्राइब द सेटअप ऑफ सेंट्रल साउथ इंडियन ब्राह्मिन फैमिली. इस नॉवल में जो आपका है, इसमें आपका जो सेटअप है वो सेंट्रल साउथ इंडियन ब्राह्मण फैमिली का है. तो जो हमारी मेन साउथ इंडियन फैमिलीज रहती हैं, दक्षिण भारत की ब्राह्मण फैमिली रहती है, उस पर इसका पूरा सेटअप है. तो तीन जनरेशन में कौन कौन सी लेडीज हैं? देवी, सीता एंड मयम्मा. और इसका सेटअप किस में है? इसका सेटअप है सेंट्रल साउथ इंडियन ब्राह्मण फैमिली पे. ओके, जो यहाँ पे सेंट्रल, आगे देखिए, देवी द सेंट्रल करेक्टर रिटर्न टू मद्रास फ्रॉम अमेरिका टू लिव विथ हर मदर सीता. तो यहाँ पर देवी का जिक्र किया गया है, जो कहीं ना कहीं मेन करेक्टर है, सेंट्रल करेक्टर है, और जो बेसिकली अमेरिका में रहती थी पर अब वो मद्रास वापस आ गई है अपनी माँ सीता के साथ रहने. इनिशियली शी इज कॉन्फ्रंटेड बाय सम डिफिकल्टीज इन मेकिंग एडजस्टमेंट विद डे टू डे लाइफ. शुरू में उसको प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं जब वो वापस मद्रास आती है अपने परिवार के साथ रहने, क्योंकि उसका जो स्टाइल है रहने का वो कैसा है, अमेरिका वाला है. तो देखो यहाँ पे देवी की माँ है सीता, सीता की माँ है मयम्मा. ओके, देवी बेसिकली अमेरिका में सेटल है और अब वो अपनी माँ सीता के पास मद्रास में रहने आ गई है. ओके, और ये पूरा सेटअप है साउथ इंडियन ब्राह्मिन फैमिली का, उसको ये लेडीज बिलोंग करती हैं. और आप जानते ही हैं, हिंदू हो ब्राह्मिन हो तो काफी स्ट्रिक्ट होती हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो जब ये आती भी है माँ के पास रहने, तो उसको काफी शुरू शुरू में जो डे टू डे लाइफ की चीजें हैं उसमें कोई दिक्कत आती है, बहुत सारी चीजें जो है खज्जल और परेशान उसे करती हैं. देवी बींग अ यंग एजुकेटेड गर्ल विथ हर अमेरिकन एक्सपीरियंसिस struggle to cope with her husband Mahesh, who is busy with his business tour most of the time. और आप क्या जानना चाहते हैं कि क्यों ये जो देवी है, सीता की बेटी, ये अमेरिका छोड़कर आ गई है वापस मद्रास में? तो बेसिकली देवी की खास बात क्या है, वो यंग है, एजुकेटेड है एंड गर्ल है ऑब्वियसली, पर वो अपने पति महेश के साथ रहती है अमेरिका में, पर उसका जो एक्सपीरियंस है, अमेरिकन एक्सपीरियंस उसके पति के साथ, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि जो पति महेश है वो हमेशा बिजी ही रहता है बिजनेस टूर पे. मतलब आए दिन कोई ना कोई टूर होगा, वो उस पे ही बिजी रहता है, तो कहीं ना कहीं उसे समय नहीं दे पाता. तो इस तरह से अकेले रहना अमेरिका में, अपने देश से तो दूर है ही और पति भी साथ नहीं दे रहा, तो वो बहुत परेशान हो गई है. दिस इज व्हेन देवी फील्स एलिनेटेड इन हर ओन होम. इस वजह से उसको अपने ही घर में एलियन, यानी कि अलग सा फील होता है कि वो पता नहीं कहाँ पे आ गई है. एक तो कंट्री भी पराई अमेरिका, ऊपर से पति भी नहीं साथ देता मेरे भाई, तो वो दोनों ही चीजें इस तरह से हो गई है कि उसको बड़ा अकेला सा फील होता है.
She searches for an identity and tries to free herself from the bondage of marriage. वो कोशिश करती है कि वो अपनी identity के लिए search करे, ठीक है? And कोशिश करती है कि वो इस bondage से free हो पाए. यानी कि ना उसको कहीं ना कहीं एक अपनी पहचान मिले कि अगर वो यहाँ पर है तो क्यों है और वो शादी के बंधन से फ्री हो पाए, ये वो कोशिश करती है. हर इमोशनल एंड मेंटल इनकम्पैटिबिलिटी विद महेश ब्रिंग्स हर क्लोज टू बाबा. और वो जो इमोशनल लेवल पे या मेंटल लेवल पे इनकम्पैटिबल है महेश के साथ, अपने पति के साथ, तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो बाबा, एक अलग से पर्सन है, उसके क्लोज आ जाती है. तो जो एक प्यार, सपोर्ट एंड चीज़ उसे अपने पति महेश से नहीं मिलती, उसको सर्च करते करते वो बाबा के पास पहुंच जाती है. इन दिस सेकेंड पार्ट ऑफ नॉवल शी कम्स क्लोजर टू बाबा एंड ही टेक्स अप द रोल ऑफ देवीज ग्रैंड मदर विद स्टोरीज लेस स्पेक्टेटुलर एंड डिफाइनिंग द लिमिट्स. ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में फिर फर्दर बताया गया है कि कैसे वो बाबा के क्लोज आ जाती है. तो जो पहला पार्ट है नॉवल का, उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि कैसे वो, उसकी लाइफ चल रही है, कैसे शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड. एंड सेकंड पार्ट में बताया गया है कैसे उस सेटिस्फेक्शन, उस प्यार, एक उस इमोशनल बॉन्डेज के लिए वो बाबा के पास आ जाती है. थ्रू देवी हरिहरन शो हाउ वुमेन सर्वाइव इन मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी. और ये जो देवी का करेक्टर है जो अमेरिका में है, पति के साथ उसकी नहीं बन रही, बाबा के नज़दीक वो आ रही है, तो इसके माध्यम से गीता हरिहरन ने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे हमारा मेल डोमिनेटिंग समाज है और कैसे उसमें वुमेन सर्वाइव करती है. क्योंकि हम चाहे माने या ना माने, पर समाज हमारा मेल डोमिनेटिंग है. एक बार जब शादी होगी, वी कांट बैक स्टेप एंड ऑल, इस तरह की चीज़ें हैं. पर देवी के माध्यम से गीता हरिहरन ने एक ऐसा करेक्टर पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, हमको बताने की कोशिश की है कि मेल डोमिनेटिंग समाज में औरत कैसे सर्वाइव करती है, फेसिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बट सर्वाइविंग विद हर इनर स्ट्रेंथ. जिसमें उसको बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन झेलने पड़ते हैं, बहुत सारे भेदभाव देने पड़ते हैं, पर फाइनली वो सर्वाइव करती है यहाँ पर अपनी इनर स्ट्रेंथ के साथ. जो उसके अंदर की ताकत है, उसकी वजह से वो सर्वाइव करती है. सो दिस इज स्टोरी ऑल अबाउट द थाउजेंड फेसेस ऑफ नाइट. कहने का मतलब पता है क्या है? रात के हजार फेसेस. उसकी लाइफ में डार्क फेस चल रहा है देवी की लाइफ में. यहाँ से हस्बैंड का सपोर्ट नहीं, यहाँ पे किसी और के साथ प्यार हो जाना, उसको समाज अपनाएगा ही नहीं, ये डर. थर्ड नंबर पे इसकी जो माँ है सीता या दादी माँ है मयम्मा, वो भी कहीं ना कहीं रूढ़िवादी सोच की है, ऑर्थोडॉक्स सोच की है. तो मतलब कैसे उसको सर्वाइव करना है, कैसे उसके सामने बैक टू बैक परेशानी आ रही है, कैसे चाहकर वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रही है, वही यहाँ पर बताया गया है. तो रात के हज़ार फेस या एक औरत की लाइफ में जो हम टफनेस हमारी लाइफ में आते हैं, उसके हजार फेस. इसे नोट कर लीजिए बेटा. आई होप आपको स्टोरी लाइन, करेक्टर, करेक्टराइजेशन, थीम सारा पता लग गया. ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए बेटा. और यहाँ पर एक टिप मैं यही देना चाहूँगी, कोई भी वर्क आपके सामने आए, चाहे ब्रिटिश हिस्ट्री क्लासिक्स का है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का है, वर्ल्ड लिटरेचर का है, सभी में आपने एक बात का ध्यान रखना है. जो भी आप पढ़ाई करें, किसी भी वर्क को पढ़ें, तो राइटर का नाम क्या है, वर्क का नाम क्या है, किस साल आया, स्टोरी लाइन क्या है, थीम क्या है, करेक्टर क्या है, करेक्टराइजेशन क्या है, बस ये चीज़ें आपने देखनी है और कुछ खास बातें संबंधित तो वो देखनी है, वो हो जाता है. ठीक है, ओके. जब डन हो जाए बेटा तो मुझे थम्स अप दे दीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ. ठीक है, अच्छे से नोट कर लेंगे बेटा सारे, फिर मुझे थम्स अप देंगे.
सभी का डन हो गया, आगे बढ़ सकते हैं बेटा, आगे बढ़ सकते हैं। कहाँ पे एक मिनट बेटा, एक मिनट, शायद शब्द आगे था ना, अभी तो यहाँ नहीं है, जब आएगा फिर आपको बताती हूँ बेटा, ठीक है, आगे बताती हूँ मैं। एक मिनट बेटा, कौन क्रॉन्टिट का मतलब यहां पर है घिरे होना, ठीक है, मतलब कौन जैसे कंक्रीट होता है ना काइंड ऑफ, या मिक्सचर, हाँ मतलब मिक्स, मतलब सब चीजों से घिरी हुई है वो, ठीक है, इतनी सारी चीजें उसकी लाइफ में है, ठीक है। कन्फ्रंटेड भी हो सकता है, ठीक है, कन, हाँ बेटा कन्फ्रंट, राइट, कन्फ्रंटेड ही होगा, एफ ही करो इसको, कन्फ्रंटेड बाय, बिल्कुल, मैंने भी इसको पढ़ती बार वही पढ़ दिया, कन्फ्रंटेड होगा बेटा, राइट, ठीक है, मैंने भी पढ़ती बार वही पढ़ दिया, ठीक है, कन्फ्रंटेड होगा, राइट बेटा। और मैं शुरू में इसको कंसर्न्ड भी पढ़ने वाली थी, कंसर्न्ड भी पढ़ने वाली थी, ठीक है, राइट बेटा, जब फेस करना पड़े, बिल्कुल सही, ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और अगले मंथ भी आपको मेरी स्पेशल क्लासेस जो है बेटा मिल जाएगी, एक बार मैं फिर से आपको लिंक दे रही हूँ टेलीग्राम का, सभी इसमें आ जाएं, इससे ना मेरी जो भी क्लासेस हैं, ठीक है, मतलब जो भी मेरी क्लासेस हैं, स्पेशल क्लासेस, अनअकैडमी पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं जो स्पेशल रहती हैं, या जो यूट्यूब सेशन मेरे अनअकैडमी के हैं वो रहते हैं, या अनअकैडमी से संबंधित जो भी जानकारी है वो सारी आपको इस ग्रुप में मिल जाएगी। तो आई होप ये लिंक ओपन हो रहा हो, तो इससे जो भी आज नए बच्चे जुड़े हैं उन्हें हेल्प मिल जाएगी, ओके। अनअकैडमी पे जो मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट लेसन हैं पेपर फर्स्ट के, अनअकैडमी पे जो भी मेरी स्पेशल क्लासेस आ रही हैं, यूट्यूब सेशन आ रही हैं, वो सारे आपको इसमें अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है। जब डन हो जाए मुझे बता दीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ पाए। आज स्पेशल क्लास है शाम को 7 से 8 बजे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंग्लिश लिटरेचर के लिंग्विस्टिक पे ही है, उसका लिंक भी मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, ठीक है, आप जस्ट अभी जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। मुझे पहले इतनी मुश्किल होती थी ना कि कैसे मैं पहुँचाऊँ, क्योंकि स्टेटस में मैं डालती थी सब तक नहीं पहुँचता या कुछ, तो बच्चों ने कई बार कहा भी कि मैम टेलीग्राम, मैंने उसको ध्यान से ही नहीं दिया, पर मैं सिमरन एंड सब बच्चों को थैंक्स करना चाहूँगी, उनकी वजह से मैंने इस पर ध्यान दिया फाइनली। एंड शुरू में तो ये भी नहीं पता लगा था इसका लिंक कैसे निकालना है, पर धीरे धीरे पता लग गया, है ना, और ये एक स्पॉट रहेगा, एक जगह रहेगी जहाँ पे आपको मेरी सारी क्लासेस का मिल जाएगा, ठीक है, ओके। और ये टेलीग्राम चैनल आप अपने सभी बडीज के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जो भी अनअकैडमी मतलब तैयारी करना चाहते हैं यूजीसी नेट की, उन सबको इससे हेल्प हो जाएगी, ओके। अच्छे से नोट कर लें बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे तो क्या बस हो गया, पर आप अच्छे से नोट कर लो पहले, वो जरूरी है। नहीं सुभाश्री,
ऐसा नहीं है, स्पेशल क्लासेस में मेरी पहली प्रायोरिटी है इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, एंड अगर मुझे साथ में समय मिलेगा तो मैं पेपर वन पे लाऊंगी, पर मेरी पहली प्रायोरिटी इंग्लिश लिटरेचर है। और कहीं ना कहीं सुभाश्री अनअकैडमी का इतना काम होता है कि अलग से स्पेशल क्लासेस लाना पॉसिबल नहीं होगा, पर जो मैं लिंक आपसे शेयर कर रही हूँ वो मेरे लेसन हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी पर, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पे आपको पेपर वन के जो मेरे अनअकैडमी के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन हैं वो भी मिलेंगे और बाकी चीज़ें भी मिलेंगी। हेलो हिमा, कैसे हो? थैंक यू सो मच हिमा, थैंक यू सो मच। कैसे हो बेटा? हाँ जी हिमा, राइट, शुरुआत तो मैंने इसी से की थी पर अनअकैडमी ने मुझे प्रमोट इसमें कर दिया। ये टेलीग्राम चैनल है, ये लीजिए। और आप सब की कैसे हो हिमा? बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर, फीलिंग वेरी गुड। बिल्कुल शुरू में जब मैंने अनअकैडमी पे शुरुआत की थी तो एक बच्चा था जो बहुत जेन्युइन अच्छे से पढ़ता था, एंड वन इज हिमा। लीजिए बेटा, लिंक मैंने शेयर कर दिया, आगे कर दूं? सभी थम्स अप दीजिए। ओपन नहीं हो रहा है, ओके, पता नहीं बेटा, शायद एक बार मैं इसे कमेंट में नीचे, मैं इसे कमेंट में छोड़ दूंगी एक बार, ठीक है। पता नहीं अब क्यों ओपन नहीं हो रहा है, इसे आप अलग से जाके टाइप कीजिए, शायद ओपन हो जाए, ठीक है। अलग से ज्यादा जाके टाइप कर लीजिएगा दोस्तों, शायद ओपन हो जाए। लिंक तो यही है पर ये पता नहीं क्यों ओपन नहीं हो रहा है। सेम हियर हेमा, आज हम जहां पे भी हैं आपकी वजह से हैं, ठीक है। और स्पेशल क्लास में मेरी पहली, हाँ जी, स्पेशल क्लास में जो मेरी पहली है वो इंग्लिश लिटरेचर है। समय लगेगा तो मैं पेपर वन पे भी लाऊंगी, ठीक है। जो भी चीजें हैं मैं आपको टेलीग्राम में छोड़ती रहूंगी बेटा, ठीक है। कर लीजिए बेटा, बैक कर दिया मैंने, बैक कर दिया। और इसके साथ हमारा आज का लेसन भी कंप्लीट होता है। इसमें ऐसे एक और वर्क भी था करने को, व्हेन ड्रीम्स ट्रैवल, पर क्लास ऑलरेडी एक घंटे से ज्यादा हो गई है, ये सारा डेढ़ घंटे का काम तो मिनिमम था। तो यही कहूंगी, प्लस में आ सकते हैं आप, सब्सक्रिप्शन लीजिए, वहां पर ये सारा कंप्लीट कराया जा रहा है। पर खैर, फ्री के माध्यम से भी जितना हम आपको करा सकते हैं हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। ओके, राहुल ने ओपन किया तो ओपन हो गया। एक बार बेटा आप एक बार ध्यान से देख लेना, ज्वाइन कर लेना। इसमें आपको ना मेरा अनअकैडमी की जो भी क्लासेस हैं, जो भी अनअकैडमी पे मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट लेसन हैं पेपर वन और टू पे, जो भी अनअकैडमी पे मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लासेस आएंगी, जो भी अनअकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जो भी मेरा NTA की क्लासेस आएंगी, जो भी और भी कोई जानकारी होगी, अनअकैडमी फ्री वेबिनार करता रहता है, बड़ा कुछ करता रहता है, वो सारा भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जो है निश्चिंत रहिए, ठीक है। यहीं पे सेंड किया है कमेंट में, देखिए मैंने भी कमेंट किया, प्रीति मंडयाल के नाम से कमेंट आया होगा बेटा। देखिए इसमें आपको मेरी सारे लिंक्स मिल जाएंगे, अनअकैडमी पे जो भी कोर्सेज हैं, जो भी क्लासेस हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। राहुल ने ओपन भी किया तो ओपन हो गया। एक बार बेटा आप भी एक बार, मुझे भी लिंक की तरह तो ओपन नहीं हो रहा, अलग से टाइप करके देख लो फिर ओपन हो जाएगा, ठीक है। हो गया बेटा सबका नोट, क्या हम अलविदा ले सकते हैं? यशोदा, क्लियर हो गया बेटा? रुपेंद्र, सुभाश्री, जल्दी से थम्स अप दीजिए ताकि हम क्लास क्लोज कर सकें। अच्छा रुपेंद्र, आपने क्या करना, जो भी मैंने पढ़ाया इस राइटर को आपने ब्रिटानिका पे देख लेना है, ठीक है। और राइटर के साथ जो मैंने दो वर्क बताए उन्हें भी आपने ब्रिटानिका पे देख लेना है। ब्रिटानिका जो है डिवोटेड साइट है इंग्लिश लिटरेचर को लेकर, तो जब भी कुछ भी पढ़ना हो संपूर्ण को सर्व संपूर्ण जरूर करो, जो भी पढ़ाया गया है उसे ब्रिटानिका से जरूर देखो, ठीक है। और कुछ भी जो एक्स्ट्रा खास बातें लगे उन्हें नोट डाउन कर लो, ठीक है रुपेंद्र। सबका डन हो गया बेटा, क्या हम अलविदा ले सकते हैं? रुपेंद्र, सुभाश्री, एक बार कमेंट जरूर करें, एक बार कमेंट जरूर करें, नहीं तो मुझे लगेगा आपको नोट करना रह गया है
और मैं अलविदा नहीं ले पाऊंगी। यशोदा का डन है, रुपेंद्र, सुभाश्री सबका डन है ना बेटा? ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो ओके, फिर से सेंड कर रही हूँ। सुभाश्री आप, आपको तो वहां से भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे मैंने शेयर किया है, वहां से मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ओके बेटा, सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए और बस अपना ध्यान रखिए। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, अगर नहीं जुड़ पा रहे अलग से टाइप कर लेना, ठीक है? और लो बेटा, और साथ में फिर आप उस पर आ जाना, तो मेरी अनअकैडमी की जो भी क्लासेस हैं, कोर्सेज हैं, सबके लिंक आपको मिलते रहेंगे। ओके बाय बेटा, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। यशोदा नोट कर लो, फिर मैं चलती हूँ। जब हो जाए बेटा तो मुझे बता देना यशोदा, मैं क्लास में ही हूँ अभी। ओके, अभी मैं क्लास में ही हूँ। इससे भी अगला पेज करना था कि यही करना था यशोदा? यही करना था ना शायद, राइट? आपको मैंने व्हाट्सएप पे सेंड किया, वहां से ले लीजिए सुभाश्री, आपको व्हाट्सएप पे सेंड किया मैंने। ठीक है, ओके यशोदा हो गया बेटा, चल सकती हूँ मैं, अलविदा ले सकती हूँ यशोदा? यशोदा हो गया बेटा? ओके वेरी गुड। अरे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, दैट्स माय ड्यूटी। ठीक है, तो सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, खुश रहिए, मस्त रहिए, पर अस्त व्यस्त मत रहिए और अच्छे से पढ़िए। एंड इस जर्नी में भी खुश रहना है तो इंशाल्लाह आपका एम भी आपको जल्दी मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं बेटा, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय। शाम को स्पेशल क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंग्विस्टिक इंग्लिश लिटरेचर UGC NET पे। मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। बाय बेटा।